हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे ओप्पो के कस्टम थीम के बारे में एंड डिफ़ॉल्ट थीम के बारे में। हम में से बहुत से लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि जो है हम जो है कस्टम थीम अप्लाई करते हैं बट हम जो है डिफ़ॉल्ट थीम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत से लोग जो है ऐसा नहीं कर पा रहे। अगर आप लोग कस्टम थीम यहाँ पर जो अप्लाई करते हैं अपने फ़ोन में तो डिफ़ॉल्ट थीम यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे, इस टाइप से आप लोग जो यहाँ पर कस्टम थीम को हटा के डिफ़ॉल्ट थीम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते पहले बता दो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड के बटन दबा के हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। बगल में बेल करना भूलें, वीडियो पसंद लाइक करना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस सबसे पहले हमें जो यहाँ पे अपने ओप्पो का थीम स्टोर यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं थीम स्टोर ओपन कर लेता हूँ। अब आप लोग करना क्या पड़ेगा, आप लोग को जो डाउनलोड वाला आइकॉन दिख रहा है ऊपर में, इस पर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग के यहाँ पे जितने भी कस्टम थीम रहेगा, अभी तो मैंने कोई भी थीम यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया है, तो कस्टम थीम यहाँ पे रहेगा और आप लोग का डिफ़ॉल्ट थीम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप लोग जो है कस्टम थीम अप्लाई कर चुके हैं तो डिफ़ॉल्ट थीम अप्लाई करने के लिए इसी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा आप लोगों को, और डिफ़ॉल्ट वाला जो थीम ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग को अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग जो है डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते, जो कि बहुत सारे कमेंट्स आ रही थी इस टॉपिक को लेकर के कि हम जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइप से आप लोग सिर्फ सिंपल तरीके से थीम स्टोर पे जाना है और ऊपर में आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे जो मैं आप लोग को दिखा दूँ, इस टाइप का जो आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग डिफ़ॉल्ट थीम यहाँ पर क्लिक करके जो यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस टाइप से आप लोग यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट थीम अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप लोग को जो भी डाउट होगा और जो भी आप लोग को क्वेश्चन होगी तो आप लोग कमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग का वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी कमेंट करना बोले हम उस पर वीडियो बना के आपके डॉट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।